गुड मॉर्निंग ऑल माय व्यूअर्स, मैं मनोज कुमार अपने चैनल मिस्टर मनोज एंकर पर आप सभी का वेलकम करता हूं। मैं डुमराओं बक्सर बिहार का रहने वाला। आप लोगों से मैंने वादा किया था अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंग्लिश सिखाऊंगा। सो हियर वी गो, दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। एंड बिफोर आई स्टार्ट माय वीडियो आई मस्ट टेल यू, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बी एन इंग्लिश स्पीकर यू मस्ट हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब तक हम अपने दिल में यकीन नहीं करेंगे ना कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो वो काम मुश्किल होता है। तो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ बिलीव इन योर माइंड दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश। इफ आई स्पीक इंग्लिश इट इज़ ओनली बिकॉज आई हैव अ वेरी गुड सेल्फ कॉन्फिडेंस, अ डिटरमाइंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, अ स्ट्रांग सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो ओनली द डिज़ायर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट इनफ, यू मस्ट हैव passion for speaking English। तो आइए, today I'm going to talk about four English expressions that are often used in English, and if you want to be a speaker of English you must use these four expressions more often than not। I do feel that when I speak English mostly I come across these four expressions। तो अगर आप भी English बोलोगे तो इनसे मुलाकात आपकी ज़रूर होगी चारों expression की। आइए आपको दिखाता हूं। पहला जो लिखा हुआ है, दिस इज द रीजन व्हाई, याद रखिएगा द नहीं पढ़ना है दी पढ़ना है, दिस इज द रीजन व्हाई। और दूसरा लिखा है दैट्स व्हाई, ये दोनों सेम मीनिंग में यूज किए जाएंगे। सेकंड, दिस इज द वे, द वे नहीं पढ़ना होगा द वे, और सेकंड इसी का है दैट्स हाउ। तो पहले मैं दोनों का हिंदी बता दूं, इन दोनों का होगा इसीलिए और इन दोनों का होगा इसी तरह। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये द रीजन वाला एडजेक्टिव क्लॉज का फॉर्मेशन है और दैट्स वाई ये नाउन क्लॉज का फॉर्मेशन है। सिमिलरली दिस इज द वे ये एडजेक्टिव क्लॉज का फॉर्मेशन है एंड दैट्स हाउ ये नाउन क्लॉज का फॉर्मेशन है। इन चारों एक्सप्रेशंस को आपको हमेशा इंग्लिश में यूज करना है। कैसे यूज करना है मैं अभी समझा देता हूँ, एक बार बताऊंगा और आप सैकड़ों वाक्य इस पर ट्रांसलेट कर सकते हो अपने इंग्लिश के लिए। आप ये कब बोलते हो, इसीलिए जब आप अपने किसी रीजन पर जोर डालते हो ना तो आप इसीलिए का यूज करते हो। आप सोचो अपने मन में, कई बार आप बोलते हैं इसीलिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ, बोलते हो ना, तो आप बोल दो इसीलिए, तो इसीलिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे नफरत करता हूं। अब इसीलिए क्या मैंने एक्सप्रेशन आपको बता दिया है, आप यहां पर लिख दीजिए एकदम आराम से, दिस इज द रीजन व्हाई, या आप चाहे तो यहां पर बोल सकते हैं दैट्स व्हाई। अब दोनों बोलने के बाद अब क्या बच रहा है, मैं तुमसे नफरत करता हूं, ये तो इतना पॉपुलर सेंटेंस है कि ट्रांसलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं। आज तो इंटरनेट का ज़माना है और आई लव यू आई हेट यू ये तो पॉपुलर सेंटेंसेज हो गए हैं ना। तो मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू। अब आप देखो दो तरीके से बोल सकते हो, दिस इज द रीज़न व्हाई आई हेट यू, दैट्स व्हाई आई हेट यू। दैट्स व्हाई ज़्यादा कॉमन है और इंग्लिश बोलने के दौरान ज़्यादा यूज़ होता है। अब आप बहुत सारे वाक्य सोच सकते हो, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक यू, इसीलिए मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ। दैट्स वाई आई डिंट गो देयर, इसीलिए मैं वहाँ नहीं गया। दैट्स वाई आई स्लैप्ड हिम, इसीलिए मैंने उससे थप्पड़ मारा। दैट्स वाई यू डू नॉट गेट सक्सेस, इसीलिए तुम सफलता प्राप्त नहीं करते। तो कितना सिंपल है ना, बार बार इसीलिए लगाते रहिए, बार बार दैट्स वाई लगाते रहिए और दैट्स वाई के बाद जो सेंटेंस आता है उसको आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलते रहिए, एकदम सिंपल है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग दिस इज द रीज़न वाई और दैट्स वाई ये आप लोग ईजिली समझ गए। पहले इनको बोलकर बाकी वाला सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर दो। आइए अब दूसरे पर चलता हूँ, बहुत ही आसानी से दूसरे को भी सिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सिंपल है, सिंपल है लेकिन आपको बोलने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा इंग्लिश की स्पीकिंग में। दिस इज द वे दैट्स हाउ, इसी तरह। कई बार आप अपने तरीके पर जोर डालते हैं और आप ऐसे बोलते हैं, मैं इसी तरह बोलता हूँ, मैं इसी तरह बोलता हूँ।
अब आपने बोलने के अपने तरीके पर जोर डाला है। अगर आप कुछ बोल रहे हैं सपोज, और कोई आपसे कहता है तुम कैसे बोल रहे हो यार, या भोजपुरी में अगर आपसे बोल दिया कैसे बोला तड़े रे, तो आप क्या करोगे? आप जवाब दोगे ना हिंदी में बोलोगे तो कैसे बोलोगे आप? आप कहोगे मैं इसी तरह बोलता हूँ। भोजपुरी में बोलोगे तो हम ऐसा ही बोली ना, और इंग्लिश में आएंगे तो आइए सिखा देता हूँ। इसी तरह का एक्सप्रेशन यहाँ पर मैंने लिख रखा है, दिस इज दी वे, या दूसरा एक्सप्रेशन भी आप यूज कर सकते हो, दैट्स हाउ। और मैं बोलता हूँ इसको आप ट्रांसलेट कर दो, हो तो गया, आई स्पीक, दिस इज दी वे आई स्पीक, मैं इसी तरह खेलता हूँ, दिस इज दी वे आई प्ले, मैं इसी तरह पढ़ाता हूँ, दिस इज दी वे आई टीच, तुम इसी तरह आउट होते हो, दिस इज दी वे हाउ यू गेट आउट। अगर आप चाहे ना तो वे के बाद आप हाउ भी लगा सकते हो, याद रखिएगा, मन करे तब आप लगा सकते हो, नहीं लगाने का मन है कोई बात नहीं, दिस इज दी वे काफी है। वह इसी तरह चलता है, दिस इज दी वे ही वॉक्स, वह इसी तरह पढ़ता है, दिस इज दी वे ही रीड्स। कितना सिंपल है ना, दिस इज दी वे बोल दीजिए, दैट्स हाउ बोल दीजिए, और आने वाले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर दीजिए। अब आप क्या करोगे, अगर आप इस नियम को अगर आपने बखूबी समझ लिया और सीख लिया तो आपको क्या करने की ज़रूरत होगी, तो बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। आप कुछ ना करो, जो मैंने आपको बता दिया इस पर आप कुछ सेंटेंसेज क्रिएट करने की कोशिश करो। अगर हिंदी क्रिएट करते हो तो ठीक है, हिंदी क्रिएट करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट आप कर दो, लेकिन अगर डायरेक्ट इंग्लिश में अगर आप क्रिएट कर सकते हो तो इससे अच्छी बात कुछ दूसरी हो ही नहीं सकती। आप डायरेक्ट इंग्लिश में लेकर आओ और इंग्लिश में बोलो, और इत्मीनान से आप ट्रांसलेट कर दो, आपका वाक्य हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज मैंने जो बातें आपको बताई ये बातें आपको बखूबी समझ में आई, और अगर आप मेरे टिप्स को फॉलो करते हो तो आई गारंटी यू लगातार 30-35 वीडियोज आप देखो, इफ़ आई डोंट चेंज योर इंग्लिश आई विल चेंज माई नेम, ओके आई बेट यू, बट यू हैव टू वॉच माई वीडियोज कंटिन्यूअसली एंड यू हैव टू फॉलो माई एडवाइस कंटिन्यूअसली, एंड इफ यू डू इट आई प्रोमिस यू आई गारंटी यू आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड यू विल बी अ फ्लुएंट स्पीकर लाइक द क्रिकेट कमेंटेटर्स, लाइक द फिल्म एक्टर्स एंड लाइक द सेलिब्रिटीज, यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। सो हियर वी गो, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डू समथिंग डिफरेंट फॉर यू, आई विल ब्रिंग समथिंग स्पेशल फॉर यू। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर आपसे कहूँगा, नया चैनल है अभी अभी मोनेटाइज हुआ है आप लोगों की बदौलत, तो आप कोशिश करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कर दे वीडियो को, कमेंट में अपने एडवाइस को भी दे दे। आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।